फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इंडियन ब्लॉगर दामिनी चैनल में। तो आज मैं आपको मेरे एक फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ जिसने अभी अभी हाल ही में किया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो काफी सारी हमारी गर्ल गैंग ऐसी है कि काफी सारी होशियार लेडीज है मेरी फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पहले मेरा एक वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें जो दो गोल्ड मेडल मुझे मिले थे, और अभी जो मेरी फ्रेंड है उससे मैं आपकी थोड़ा सा परिचय करा दूं। तो उसका खुद का पार्लर है, ब्यूटी पार्लर चलाती है वो, और मैं हमेशा उसी से ही अपना जो कुछ पार्लर का ट्रीटमेंट वगैरह करवाना होता है मैं उसी से ही हमेशा कराती हूँ। और अभी उसने इतनी बड़ी चीज़ जो है अपनी ज़िंदगी में अचीव की है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी मैं वो अपनी खुशी शेयर कर दूँ। तो मैं समझती हूँ कि जैसे हमारी जो कुछ लेडीज़ है वो जो कुछ अचीव करती है हम अपनी ज़िंदगी में, वो सब मैं अपने चैनल के ज़रिए मैं आपको बताऊँ, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, तो उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं सब चीज़ें जो है आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उनसे ज़्यादा जो है वो मुझे ज़्यादा खुशी होती है अगर मेरी फ्रेंड्स लोगों ने जो ज़्यादा कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया, तो इस वजह से मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी। तो हाल ही में पिछले हफ्ते ही उसका एक प्रोग्राम हुआ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी सारे उनके जो जेंट्स जो लोग थे वो आए हुए थे, और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ उसका, क्योंकि मैं उस टाइम आउट ऑफ अकोला थी तो मैं उसका प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन उस प्रोग्राम की जो कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह, जो कुछ फोटोज़ वगैरह है वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, आप देखिएगा ज़रूर। और इस ज्योति ने जो ये अचीव किया है अपनी लाइफ में, वो काफ़ी छोटी उम्र से वो ये सब कर रही है, तो मुझे बड़ा ही मोटिवेशन मिलता था। तो उसको देख के भी मैंने मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करूं। तो मैं ऐसे सर्च करते करते मैंने अभी अपना ये चैनल शुरू किया है, और मेरे इस चैनल के ज़रिए मैं आपसे उसकी इस खुशी को, उसकी इस अचीवमेंट को मैं पूरी दुनिया में जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं आज उसके पार्लर में आई हुई हूँ। तो चलिए मैं उसी की जुबानी उसकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, हाय। देखो, मेरा जो पार्लर था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अपन ने भी कुछ तभी करना है। तो मेरे पापा का किराना दुकान था, उस पर ज्योति किराना नाम लिखा था, तो मुझे ऐसा लगता था अरे मेरे नाम से तो सब मुझे जानते ही है, पर मुझे ना कुछ तभी नया करने का मेरा इरादा था। मम्मी पापा को 3 लड़कियां थी, सबको लगता था लड़कियां हैं क्या करेंगी क्या सीखेंगी, उनको तो बहुत ही ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं सकता। पर मेरे मम्मी पापा का इतना सपोर्ट हमको मिला कि मम्मी पापा ने हमको एजुकेशन तो दिया, पर सब तीनों ही बहनों को अपने अपने हिसाब से जिनको जिसमें अच्छा लगता था वो सीखने के लिए मोटिफाइड किया। और देखो, आज मैं 6, 7 and 8 स्टैंडर्ड में थी तब से मैं पार्लर चला रही हूँ, और मैंने मेरा पार्लर का नाम रोशनी ब्यूटी पार्लर किया क्योंकि मेरा नाम ज्योति था, तो ज्योति का हिंदी में मीनिंग रोशनी होता है, और मुझे ऐसा लगता था कि सब जगह अपनी रोशनी ही रोशनी होनी चाहिए, इसलिए मैंने रोशनी नाम रखा। तो अभी बहुत साल हो गए कुछ ना कुछ करना, मैंने मेरी खुद की संस्था बनाई, और उसमें से मैंने बहुत सारी लेडीज़ को सिखाना शुरू किया। गांव में, शहर में, सब जगह मैं जाती थी, सबको बताती थी नहीं कुछ तो भी करो, लड़कियां हैं तो अपने पैर पर खुद ना खुद खड़ी तो होना चाहिए, इसलिए ना मैंने उनको इतना समझाया, फिर एक से करके ऐसे कर आज अभी मेरे पास से 2000 से ज़्यादा लेडीज़ है ना, महिला और लड़कियां सीख के गई। अभी तो 450 से ज़्यादा जो लेडीज़ है उनका तो खुद का पार्लर है, और वो भी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रही है, इसलिए ना मैंने सोचा कि अभी इतने ऊपर तो अपने को रुकना नहीं है। फिर अभी मेरा जो पार्लर था मैंने 1994 में शुरू किया था, ये जो साल है 2019, ये साल मेरे पार्लर के लिए 25 ईयर्स का है, तो इसलिए बोला कि अभी सिल्वर जुबली है तो कुछ ना कुछ तो अलग करना ही है। देखो, अपनी जो सोच रहती है वो सोच अपने
विचार जो करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। पर मेरा जो इरादा था, जो सब लोग उधर भागेंगे, अपन ने उधर भागना नहीं, खुद का रास्ता खुद ने बनाना है। तो मैंने बहुत सोचा क्या करूँ मैं अच्छा सा। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि नहीं, अपन ने ना वर्ड का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो मैंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड बनाने की मेरे मन में ठान ली। उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, ऊपर नीचे ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे इवेंट इतने ये मेरे इसमें आए कि मुझे पता ही नहीं चला। कभी कभी तो मेरे घर वाले बोलते थे, क्या ज्योति तू इतनी ये करती है, तू कैसे करेंगी, छोड़ दे इसको। मैंने बोला नहीं, मैंने मन में ठान रखी है तो मुझे ये तो करना ही है। और देखो, जब तक मुसीबत नहीं आएंगी, ऊपर नीचे ऐसे पढ़ाओ जब तक आएंगे नहीं, तो जो जीत है ना उसे हम इतनी ज़्यादा से इंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आए कितनी भी मुश्किलें, जो बिग अपने अमिताभ बच्चन जी ने बोला, झुक कर सीधा खड़ा हुआ मैं, अब झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खोप नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं अब तुमसे मिटने का शौक खोप नहीं, तुम जब जब पोलादों के भट्टी में मुझको झोंकोगे तब तक कर सोना बनूंगी मैं, कब तक मुझको रोकेंगे तुम, कब तक मुझको रोकोगे। ये मुझे बहुत ही मोटिवेट करके गया और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अपने अलग करना चाहिए। इसलिए मैंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना जो देखा था उसे मैंने पूरा करने का सोच लिया था। और मैंने अभी हाल ही में 16 फरवरी को जो इवेंट रचा उसमें अमेरिका की एक लेडीज़ थी, तो उसने 1 घंटे में 53 आइब्रोज बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। तो जो मैंने अभी तोड़कर उसको 1 घंटे में 107 आइब्रोज बनाने का जो रिकॉर्ड था वो बना लिया है। और मैं बहुत ही खुश थी कि नहीं, इतना अच्छा रिकॉर्ड अपने अकोला शहर में बना है कि जिसमें अकोला का ही नाम नहीं, महाराष्ट्र का नाम नहीं, पूरे भारत का नाम, भारत में नाम नहीं तो पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम हुआ। और मैं बहुत खुश थी कि नहीं, और ये जो प्रोग्राम मैंने अचीव किया है तो उसके लिए मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड और जो मेरी बहन है जिसने मुझे सिखाया, वो भी बहुत सारे जो है, और जिन्होंने मुझे मोटिवेशन किया कि नहीं ये करना चाहिए, सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि नहीं, कुछ ना कुछ करने की चाह सब में होनी चाहिए। और देखो अभी जागतिक महिला दिन भी आने वाला है, इस वजह से मैं सब लेडीज़ को बताना चाहती हूँ कि जिन जिनको जिस जिस में चीज़ में जो अपनी चाह रहती है कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, तो सबने कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसने जो किया वही मैं करूँगी ये सोचना बनाते हो, खुद की राह खुद ने बनानी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने का बहुत शौक है और मैं ऐसे चैलेंजिंग लाइफ जीना चाहती हूँ दोस्तों। तो इसलिए देखो मैंने तो अभी वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है, अभी मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना चाहती हूँ। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये मेरा सपना था, अब मेरा सपना है मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। कॉन्ग्रेचुलेशन दामिनी, और तूने बहुत अच्छी जो सोचा कि नहीं खुद को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके ये चैनल को बहुत बहुत बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ, जो कि आप सब दुनिया में, आपका यूट्यूब जो चैनल है सब दुनिया में जाए और उसका बहुत बड़ा नाम हो, और वो भी बहुत साल मेरे पार्लर के जैसे 25 साल कंप्लीट कर सके और बहुत सारी लाइक्स भी उसको मिलनी चाहिए। ये मुझे है, मेरी फ्रेंड जो है वो बहुत बढ़िया वीडियोस बनाती है, दोस्तों सबने उसको देखना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए। अभी देखो जागतिक महिला दिन आ रहा है, उसके हिसाब से सब लेडीज को मेरी तरफ से जागतिक महिला दिन के बहुत बहुत बधाई
देना चाहती हूँ। तो अभी ज्योति ने जो है मुझे कांग्रेचुलेशन किया और मेरे चैनल के लिए भी बधाई दी, और मैं अभी उसको भी कांग्रेचुलेशन कलेक्ट करती हूँ, जो कि मैंने पहले भी उसको फोन के जरिए भी किया था, पर्सनली भी मैं उससे मिली थी, लेकिन आज इंटरव्यू है उसका, मैं आप उसके आपसे मिलवाने लाई हूँ, तो उसको मैं आपके सामने भी कांग्रेचुलेशन करती हूँ। और अभी जो उसने एक शायरी आपके वो बताई उसके खुद के बारे में, तो मैं अपने भी खुद के बारे में एक शायरी आपको बोलूँगी और अपना जो इंटरव्यू है वो ख़त्म करूँगी। तो जो मुझे सूट होता है, जो मुझे सूट होती है वो टैगलाइन में आपको बताऊँगी अभी। तो हम भी वो शख्स है, हम भी हुनर रखते हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो ये था मेरा महिला दिन विशेष का इंटरव्यू, मेरा वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और मेरी फ्रेंड को भी बधाई दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनी इस तरह की जो हम लेडीज़ होती हैं उनको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा अगर मिलेगा, और जो हाउसवाइफ्स वगैरह होती है वो भी अपना करियर अगर इससे इसको देख के अगर बनाना स्टार्ट करती है तो मेरा ये वीडियो बनाना भी सफल होगा। तो ठीक है, चलती हूँ मैं आपका वीडियो करती हूँ ये, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। अकोल्याची मान नक्कीच उंचावली आहे।